कोरोना वायरस का असर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में देखने को मिला, जहां पर इसके 2 मरीज पाए गए। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी खंडवा के मशहूर डॉक्टर शिव शंकर गुज्जर ने दी। उन्होंने चर्चा के दौरान बताया कि आखिरकार कोरोना वायरस है क्या, कोरोना से बचाव क्या है और कोरोना वायरस के लक्षण क्या है। देखें ये खास रिपोर्ट। हाँ, चूंकि अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2 के पेशेंट सस्पेक्टेड इंदौर में हैं, तो अब एमपी में चूंकि एंट्री हो चुकी है, तो आप अपने को और अलर्ट रहना है। कोई भी पेशेंट ऐसा सस्पेक्टेड लग रहा है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करना है, इनिशियल लेवल पे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। और आपको उसके बावजूद भी लग रहा है कि उसको ट्रीटमेंट के बावजूद भी रिलीफ नहीं है, तो हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करके उसकी टेस्टिंग के लिए आपको प्रॉपर चैनल से उसको इन्फॉर्म करना है। मास्क का ऐसा है कि आप उसको प्रॉपरली 24 आवर में एवरी डे पर मास्क चेंज करो, और स्टैंडर्ड मास्क जो आता है N94 जिसको बोलते हैं, वो मास्क है, तो आप प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट है। बहुत ज्यादा लक्षण होंगे और जब ये कंट्रोल नहीं होता है तो फिर सिस्टमिक इसका इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो जो ससेप्टिबल पर्संस होते हैं, ससेप्टिबल लो इम्यूनिटी पेशेंट्स होते हैं, उन पे ये सिस्टमिक अंगों पे भी असर करने लगता है, जिसके कारण इसको इसमें मॉर्टेलिटी रेट दूसरे वायरस से हायर है। बेसिक लक्षण ट्रांसमिशन, सबसे पहले तो इसका एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, उसके बाद एक बार ह्यूमन में आने के बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है इस वायरस का। और इन्फेक्शन होने के बाद सबसे शुरुआत लक्षण सिम्टम जो आम वायरल बुखार होता है, जिसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, सर्दी खांसी फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं, ये सब होते हैं। उसके बाद यदि कोई पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो या ससेप्टिबल हो ज़्यादा, कोई क्रोनिक डिसीज ऑलरेडी पहले से उसको हो, तो ऐसे पेशेंट्स में ये थोड़ा सा फेटल हो सकता है, मतलब डेंजरस हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया कि ऑर्गन्स में इन्वॉल्व हो जाता है, ब्रेन में या शरीर के दूसरे अंगों पर इसका असर हो जाता है, जिससे इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। बचाव के तरीके ये है कि सबसे पहला तो जहाँ से शुरुआत होती है, एनिमल कॉन्टेक्ट सबसे मेन इम्पोर्टेंट है इसमें, तो सारे जितने भी हाउस होल्ड और दूसरे एनिमल्स है उससे इसका कॉन्टेक्ट आप बचाव के रखें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अभी चूंकि इसका एपिडेमिक चल रहा है तो एनिमल्स के कॉन्टेक्ट में कम से कम आए, आना भी हो तो पूर्ण बचाव के साथ मास्क और कॉन्टेक्ट के बाद मेन सबसे क्राइटेरिया होता है हैंड वॉश का, आप फ्रिक्वेंट हैंड वॉश करें, अपने नाखून टाइम से काटें, या किसी पर्सन जिसको सस्पेक्ट लग रहा है उसके कांटेक्ट में या तो नहीं आए, आए भी तो मास्क यूज करें और हैंड वॉश करें, जो बेसिक हाइजीन टेक्निक होती है सब आपको स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से अपनानी पड़ेगी। जिला ब्यूरो राम पवार नायक के साथ संवाददाता फरीद मंसूरी की रिपोर्ट।